फर्स्ट तो मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आपके अकाउंट कर्नाटका बैंक में, तो ये वीडियो खास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरह से अपने खाते से दूसरे खाते में पैसे को ट्रांसफ़र करना है, वो भी क्विक मनी ट्रांसफ़र, यानी आपको कोई बेनिफिशियरी को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप जानना चाहते हैं किस तरह से मनी ट्रांसफ़र किया, तो इस वीडियो शुरू से आखिर देखें, और अच्छा लगे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते रहे, आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो सबसे पहले कर्नाटका मोबाइल बैंक यानी KBL मोबाइल बैंक में आपको अकाउंट बना लेना है, ठीक है। इसका अकाउंट कैसे बनाते हैं अगर आप जानना चाहते हैं, मेरा इस वीडियो देखने में बहुत ही आसान तरीके से अकाउंट को बना सकते हैं, ठीक है। तो मेरा अकाउंट बनाओ, चलिए यहाँ पे MPIN एंटर करके लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ दोस्तों मेरा अकाउंट यहाँ पर लॉगिन हो चुका है, ठीक है। इस तरह से आपको लॉगिन कर लेना है, और लॉगिन करने वाले सबसे ऊपर आपको शो करेगा फ़ंड ट्रांसफ़र, ठीक है। तो आपको फ़ंड ट्रांसफ़र क्लिक करना है। नीचे देखेंगे यहाँ पर क्विक ट्रांसफ़र, ठीक, क्विक ट्रांसफ़र पर आपको क्लिक करना है। उसको देखिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन शो करेगा, जिसको पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका भी खाता कर्नाटका बैंक में, तो फास्ट वाला सिलेक्ट करेंगे ऊपर वाले का, ठीक है। अगर आप दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जैसे कि HDFC बैंक या पंजाब नेशनल बैंक, तो आपको नीचे वाला सिलेक्ट करना है, अदर बैंक ट्रांसफ़र, ठीक। तो चलिए मैं इस पर क्लिक किया। उसको देखिए मनी ट्रांसफ़र करने के यहाँ पर तीन ऑप्शन शो करेगा, MMID, NEFT, IMPS, ठीक है। तो आप यहां सेलेक्ट कर सकते हैं आपको किस तरह से आपको पैसे ट्रांसफ़र करना है, NEFT करना है या IMPS करना है, ठीक है। तो मैं यहां सेलेक्ट करूंगा IMPS, ठीक है। और नीचे देखेंगे यहां पर आपको लिमिट मिल जाता है कि आप कितना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं पर डे, ठीक है। उसको देखें यहां पर आपको अकाउंट नंबर एंटर करना है, उसको दोबारा फिर से आपको यहाँ कन्फर्म टू अकाउंट नंबर एंटर करना है, उसको यहाँ पर आपको IFSC कोड इंटर करना है, आपको पैसा ट्रांसफ़र कितना करना हुआ अमाउंट यहाँ पे इंटर करना है, उसको रीमार्क्स भी इंटर करेंगे, उसको पोस्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मैंने आप सारे डिटेल्स मैंने इंटर कर दिया, ठीक है। उसको पोस्ट पे क्लिक करते हैं, जैसे आप पोस्ट पे क्लिक, सारे डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगे जो भी आपने फिल किया, ठीक है। आपको सही से एक बार चेक कर लेना है, उसको कन्फर्म पर आपको क्लिक करना है। उसको देखिए रजिस्टर मोबाइल पर OTP आएगा, OTP ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो जाएंगे, ठीक है। उसको ओके पर आपको क्लिक करना है। जैसे मैंने ओके पर क्लिक किया, जैसे यहाँ पर मनी ट्रांसफ़र मेरा सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से बड़े ही आसान तरीके से कर्नाटका बैंक मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए आप मुझे कमेंट करें, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। और ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह वीडियो देखना पसंद करता तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।